हेलो दोस्तों, आज हम लोग हैंड ब्लेंडर के बारे में बात करेंगे। ये जो अपना हैंड ब्लेंडर है, ये दोस्तों इसका ब्लेड जाम हो चुका है। इस जाम हैंड ब्लेंडर को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए दोस्तों इसके टॉप में जो प्लेट लगी होती है, प्लेट के नीचे दो स्क्रू लगे होते हैं, वो दोनों स्क्रू हमें दोस्तों खोलने पड़ेंगे। दोनों स्क्रू एक एक करके दोस्तों खोल लें। दोस्तों चलती वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों ऊपर के टॉप प्लेट को खोलने के बाद हम लोग इसकी मोटर को भी निकालने की कोशिश करेंगे। मोटर को निकालने के लिए दोस्तों इसके हेड में भी दो स्क्रू दिए हुए हैं, उनको हम लोग निकाल लेंगे। दो स्क्रू निकालने के बाद दोस्तों स्क्रूओं को दोस्तों निकाल के अलग रख लें, ताकि बाद में कोई स्क्रू गिर ना जाए या गुम ना हो जाए, इसीलिए स्क्रूओं को अलग कर लें। दोस्तों अब इसके टॉप मोटर के हेड के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर दिया हुआ है, उसमें भी दो स्क्रू दिए हुए हैं। वो स्क्रू दोनों स्क्रू भी दोस्तों एक एक करके निकाल लें। ये दोनों स्क्रू दोस्तों निकालने के बाद ही अपनी मोटर बाहर निकलेगी। दोस्तों अगर आपके पास पेचकस और टूल हों, तभी आप इसको ओपन करने की कोशिश करें। ये देखिए दोस्तों, हमने नीचे से शाफ्ट को धक्का दिया और मोटर बाहर निकल गई, लेकिन उससे पहले हमें इसका ब्लेड निकालना पड़ेगा। वो भी आप लोग पेचकस की मदद से ब्लेड को निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसका आगे जो रोटेटिंग फर दिया हुआ है, उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए मोटर और फर को दोस्तों उल्टी दिशा में घुमाना पड़ेगा और वो निकल जाएगा। उसको दोस्तों थोड़ा थोड़ा घुमाते रहें, वो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें चूड़ी बनी होती है, इसीलिए वो निकल जाएगा। और शाफ्ट को आप बैक साइड में निकाल लें और आपकी मोटर बाहर आ जाएगी। दोस्तों मोटर और शाफ्ट में जो पीवीसी रिंग दिया होता है, उसमें दो स्क्रू दिए होते हैं, उनको भी हमें निकालना पड़ेगा। उनको भी आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लें और मोटर को दोस्तों साइड में रख दें, क्योंकि दोस्तों हमें अपनी मोटर तो सही है, लेकिन शाफ्ट जाम है। शाफ्ट को खोलने के लिए ऊपर दोस्तों इसमें एक बुश दिया होता है पीवीसी, उसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालेंगे। उसमें आप लोग स्क्रू ड्राइवर डालें और उसको उल्टी दिशा में घुमाएं और वो निकल जाएगा। रबड़ रिंग निकलने के बाद दोस्तों शाफ्ट को निकालने के लिए आपको प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। प्लायर से पकड़ के धक्का दें और घुमाएं और शाफ्ट निकल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसमें जंगाल लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको रेगमार की मदद से साफ़ करेंगे। रेगमार से दोस्तों इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें।
जब शाफ्ट दोस्तों अच्छी तरह से साफ़ हो जाए तो उसमें हम लोग ऑयल लगाएंगे। ऑयल भी दोस्तों हम लोग इसमें वेजिटेबल ऑयल लगाएंगे, सरसों का तेल भी जिसे हम लोग बोल देते हैं वो लगाएंगे और इसको आगे पीछे करेंगे। दोस्तों इसको अच्छी तरह से घुमाते रहें और इसमें अच्छी तरह से ऑयलिंग डाल दें। अगर दोस्तों हम लोग इसमें कोई दूसरा ग्रीस या कोई और ऑयल डालेंगे तो दोस्तों वो खाने में भी परेशानी आएगी और खाने का स्वाद भी ख़राब कर देगा। इसीलिए इसमें दोस्तों हम लोग वेजिटेबल ऑयल ही डालेंगे और उसको अच्छी तरह से आगे से ऊपर से नीचे से दोस्तों डाल के इसको मोटर को जो शाफ्ट है अपनी उसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे। और जब तक वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो जाएगी, जंगाल उतर जाएगा, तब तक हम लोग इसको निकालते रहेंगे। दोस्तों इसमें अच्छी तरह से ऑयलिंग करने के बाद इसको हम लोग एक बार साफ़ करेंगे क्योंकि इसमें जंगाल लगा हुआ है। और दोबारा शाफ्ट जब लगाएंगे तो दोबारा इसमें ऑयल डालेंगे ताकि आगे हमें परेशानी ना हो। बस जिस तरह दोस्तों हमने मोटर को पहले हैंड ब्लेंडर को खोला था, ओपन किया था, उसी तरह से हम लोग इसको दोबारा फिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने इसमें शाफ्ट डाल दी। अब हम लोग इसका प्लास्टिक का बुश जिस तरह निकाला था उसी तरह हम लोग इसमें लगाएंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये हमने इसमें टाइट फिक्स कर दिया। और अब हम लोग मोटर लेंगे। मोटर में वैसे ही इसमें दोस्तों निशान बना होता है, जो उसमें शाफ्ट लगी होती है वो शाफ्ट मोटर में लगेगी और दोनों को सही अच्छी तरह से मैच कर लें और फिक्स कर लें। एक बार मोटर को घुमा के भी देख लें अच्छी तरह से कि वो घूम रही है, तो दोनों स्क्रू स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे एक एक करके। दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत परेशानी वीडियो क्वालिटी में आएगी क्योंकि हमारा दूसरे एंगल पे जो कैमरा लगा हुआ था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई परेशानी आ गई, इसीलिए हम लोग सिर्फ़ एक कैमरे की वीडियो से ही काम चला रहे हैं। हमने पहली बार ट्राई किया था कि दो कैमरों से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन दूसरे में परेशानी आ गई। जैसे हमने दोस्तों पहले बताया था कि जैसे हमने पहले हैंड ब्लेंडर को ओपन किया था उसी तरह हम लोग उसको फिक्स करेंगे। ये हमने बॉडी में मोटर लगा के उसका कवर लगा के दोनों स्क्रू लगा देंगे। हम लोगों ने दोस्तों टू एंगल वीडियो रिकॉर्डिंग का ट्राई किया था, लेकिन दूसरे कैमरे में हमारी वीडियो में ज़्यादा परेशानी आ गई, इसीलिए जो हमने रिकॉर्ड किया वही सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। हम नया तरीका वीडियो बनाने का ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों दोनों स्क्रू लगाने के बाद इसका टॉप कवर स्विच वाला होता है उसके भी दोनों स्क्रू लगाएंगे एक एक करके। वो दोस्तों ध्यान से लगाएं, अगर कोई स्क्रू गलत जगह लग गया तो वो मोटर को नुकसान पहुंचा देगा, उससे अच्छा आम लोग स्क्रू लगाने में थोड़ी टाइम लेंगे तो भी कोई चक्कर नहीं है। इसीलिए एक एक करके दोनों स्क्रू अच्छी तरह से लगा दें। और बाकी ये ध्यान रखें कि दोनों में से स्क्रू टाइट करते समय कोई भी कनेक्शन निकल जा लूज ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। स्विच का टॉप लगाने के बाद हम लोग इसका बिल्कुल टॉप वाला कवर लगाएंगे जो हमने सबसे पहले खोला था, उसके भी दो स्क्रू हम लोग फिक्स कर देंगे। और हम लोग हैंड ब्लेंडर का भी बेस प्लेट को
जैसे हमने ओपन किया था उसको अब उल्टी दिशा में फिक्स करेंगे। इसको दोस्तों तब तक घुमाते रहें जब तक ये बिल्कुल टाइट और बिल्कुल फिक्स नहीं हो जाता। और अब हम लोग इसमें ब्लेड लगाएंगे। ब्लेड दोस्तों पुश में ही होता है। अब हम लोग इसको पावर सप्लाई देंगे दोस्तों और स्विच ऑन करेंगे। ये देखो दोस्तों अपनी मोटर अच्छी तरह से चल रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी नए हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग फिर भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इसके टॉप में हम लोग फेविक्विक लगाएंगे और इसका टॉप प्लेट लगा देंगे जिससे वो स्क्रू के होल नहीं दिखेंगे। हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।